हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज गुरु नीति के एपिसोड 21 में हम लोग लेके हैं आपके लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम्स। मैं चंद्र प्रकाश और साथ में है रिंकेश सर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है, उन बिंदुओं की संख्या अपने को बतानी है जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और बात करनी है केवल इंटरवल 0 से 5 में जो कि ओपन इंटरवल। देखो पहली बात तो क्या है ना कि इंटीजर को अपन बाहर निकाल सकते हैं, राइट? तो इसको बाहर निकाल लेते हैं तो अपना फंक्शन जो है बच्चों कुछ ऐसा हो गया 2008 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 97 साइन एक्स, ठीक है जी। अब ये 2008 तो कांस्टेंट है तो इसकी कंटिन्यूटी टोटल इसी पे डिपेंड करती है। अब बॉक्स ना तो हमें देखना पड़ेगा ये अंदर वाला फंक्शन जो है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो चलिए ग्राफ से देखते हैं ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर मैं 0 से π के बीच में ग्राफ बना देता हूँ 97 साइन एक्स का, तो बालको कुछ ऐसा ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा जिसकी हाइट कहाँ तक पहुंच जाएगी 97। और ये कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू होगा π/2। अब देखो क्या है, तो 0 से लेके 97 तक ये वेरी कर रहा है, उसके बीच में इंटीजर पढ़ेंगे जैसे मान लो 1 आया, तो यहीं पर सोचने वाली बात है। देखो 1 से जस्ट पहले तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो उसका बॉक्स लेंगे ना तो वो 0 बन जाएगी, राइट? और 1 के राइट हैंड साइड में वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 बन जाएगी। तो 1 की LHL और RHL जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब 1 पे कंटिन्यूटी आएगी। तो जिस तरह से यहाँ 1 बन रहा है ऐसे एक बार इधर भी बनेगा ये वैल्यू 1, ऐसे y=2, y=3 एंड सो ऑन। टोटल ये लास्ट में 96 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 96 पॉइंट तो इधर हो गए जहां पे ग्राफ टूटेगा, 96 ही पॉइंट इधर हो गए और एक पॉइंट ये हो गया बीच में, क्योंकि इस पे वैल्यू तो है 97, LHL RHL दोनों 97 से कम है ना, तो उसका बॉक्स लेते ही वो 96 में बदल जाएगी। तो इस पे LHL RHL तो 96 आएगी बट वैल्यू 97 आएगी, तो डिसकंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। तो टोटल अपने कितने पॉइंट हो गए डिसकंटिन्यूटी के, 2 × 96 + 1 + 1 और ये कितना आ गया 193। तो ये सेकंड आंसर जो है आपका ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू इधर आ जाइए स्टेप sin x + स्टेप cos x और x गिवन है 0 से 2π, देन आपको चेक करना है कि fx कितने नंबरों पे डिसकंटीन्यूअस है। तो देखो इसको भी अपन क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो 0 से 2π में अपन पहले साइन और कोस का डायग्राम सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं, और आप ऐसे भी समझ सकते हो 0 से 2π में ये तो साइन एक्स का डायग्राम होगा और 0 से 2π में ये आपका कोस एक्स का डायग्राम। तो 0 से 2π में जब बात करोगे आप तो अपन को पता है कि जो स्टेप फंक्शन है आपका वो इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे अपन साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स जो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सस्पिशियस पॉइंट ले सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 π/2, मतलब जहां पे वैल्यू उसकी क्या होगी इंटीजर, 0 पे वैल्यू इंटीजर हो सकती है, पाई पे π/2, 3π/2 एंड 2π। तो इनको चेक करना पड़ेगा 0 π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। सिमिलरली जो कॉस एक्स है ये भी आपका एनी पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इनको भी अपन को एनी पॉइंट पे चेक करना है। देखो तो इनका अपन एक सेपरेट डायग्राम बना सकते हैं, एक साथ डायग्राम को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तो स्टेप अगर एक साथ होता तो फिर भी अपन कर सकते हैं। तो देखो तो स्पीडली देख लेते हैं कि जैसे लेट एफ ऑफ 0 की बात करोगे तो एफ ऑफ 0 पे साइन 0 और कॉस 0 1, तो ये तो आ गया 1। और एफ ऑफ 0+ की बात करोगे आप तो 0+ पे साइन 0+ का स्टेप 0 होगा और कॉस 0 1, और 0 से जस्ट ग्रेटर लोगे तो उसका स्टेप क्या लोगे, 1 से जस्ट लेस का स्टेप 0। तो 0 पे तो क्या आ गया बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 0+ पे भी 0 और 0 पे भी 0 होगा, ठीक है, 0 पे 1 और इस पे 0, हाँ, तो 0 पे क्या आ गया, डिसकंटीन्यूअस आ गया। हाँ, डिसकंटीन्यूअस की बात कीजिए, फिर बात करते हैं अपन π/2 पे। तो π/2 पे बात करोगे sin x की, तो सिंपल सी बात है sin π/2 तो 1 होगा
और cos पाई बाय 2 0, तो f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू तो क्या होगी इसमें 1। बट अगर अपन LHL RHL की बात करते हैं, जैसे लेट f ऑफ पाई बाय 2 प्लस, तो sin पाई बाय 2 1 और पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर होगी, तो उसका स्टेप क्या आ गया 0 प्लस sin पाई बाय 2 1 है बट उससे जस्ट ग्रेटर लोगे तो 0 से जस्ट लेस वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो उसका स्टेप क्या आएगा -1, तो ये वैल्यू क्या होगी -1। तो सिंपल सी बात है, ये 1 ये -1, तो यही पता चल गया कि ये भी क्या होगा डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं पाई की, तो पाई पे f ऑफ पाई 0, इस पे cos पाई -1, तो f ऑफ पाई तो आ गया आपका -1। अब अपन बात कर लेते हैं f ऑफ पाई प्लस की। f ऑफ पाई प्लस की बात करोगे तो देखो साइन पाई प्लस, तो पाई से जस्ट ग्रेटर होगी, तो साइन की वैल्यू क्या बनेगी -1, और इसमें बात करूं तो कोस पाई -1, और -1 से पाई जस्ट ग्रेटर होगी, तो वैल्यू -1 से जस्ट ग्रेटर, तो उसका स्टेप भी -1 होगा, तो ये आ गया -k2, तो ये भी क्या गया पाई पे डिसकंटीन्यूअस। उसके बाद बात करते हैं अपन 3 पाई बाई 2 पे, तो 3 पाई बाई 2 की बात करूं तो देखो 3 पाई बाई 2 पे एफ ओ 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 -1, कॉस 3 पाई बाई 2 0, तो ये तो आ गया -1। और बाद में बात करते हो आरएचएल की या एलएचएल कुछ भी ले सकते हैं, तो पहले आरएचएल की बात कर लेते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस, तो देखो इसमें 3 पाई बाई 2 वैल्यू -1 है, तो -1 से जस्ट ग्रेटर लोगे तो उसका स्टेप भी क्या होगा बेटा -1। और इधर बात करोगे तो 3 पाई बाई 2 भी 0 है, 3 पाई बाई 2 से जस्ट ग्रेटर लोगे तो 0 प्लस का स्टेप भी 0, तो ये वैल्यू क्या मिली आपको -1, मतलब 3 पाई बाई 2 -1 और ये भी -1। तो एक बार आप इसका LHL भी चेक करें, तो एफ ओ 3 पाई बाई 2 -, तो देखो सिंपल इसमें तो अगेन -1 आने वाला, और इसकी बात करोगे तो 3 पाई बाई 2 से जस्ट लेस लोगे तो कॉस के केस में इसका स्टेप क्या होगा -1, तो ये आ गया -2, उसका मीनिंग ये इस पे भी क्या गया डिसकंटीन्यूअस। और ऐसे ही 2 पाई की बात करोगे तो एफ ऑफ 2 पाई तो साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई 1, तो एफ ऑफ 2 पाई तो आ गया बेटा 1। अब इसमें ओनली आप LHL चेक करोगे क्योंकि 0 से 2 पाई की बात की गई है। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 पाई -, तो देखो साइन 2 पाई 0 तो जस्ट लेस लोगे तो उसका स्टेप क्या होगा -1, और cos 2 पाई 1 और 1 से जस्ट लेस का स्टेप लोगे तो क्या होगा 0, तो ये भी दोनों क्या डिफरेंट है, तो ये भी इन पॉइंटों पे क्या होगा डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये सारे जो सस्पिशियस पॉइंट हैं सब पे क्या डिसकंटीन्यूअस, तो इसका टोटल 5 पॉइंट होंगे डिसकंटीन्यूअस के। थर्ड आंसर हां सही हो गया। आइए भी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे हम कि थोड़ी देर के लिए ना बच्चों में टेन एक्स को टी मान लेता हूँ, तो ये ऐसे हो गया बॉक्स ऑफ टी प्लस अंडर रूट, उसको ध्यान से देखिए ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ टी, और यहाँ टी का वैल्यू है 10x 0 से इन्फिनिटी के बीच, अगर हमने ये x की वैल्यू लिए तो 10x 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखो ग्राफ से डील करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ये। ओके, तो मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो पहले मैं कैसे बनाऊंगा, किसकी हेल्प से बनाऊंगा। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t के अंडर रूट का। ओके, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड है 0 से 1, तो जैसा ग्राफ 0 से 1 में आएगा वही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। अच्छा, 0 से 1 में क्या होता है कि फ्रैक्शन पार्ट t के बराबर होता है, यानी ये ऐसा बन जाएगा अगर मैं t को 0 से 1 कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो y बराबर अंडर रूट t का ग्राफ बनाना, यानी y स्क्वायर बराबर t टाइप पैराबोला हो गए, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा नॉट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। अब यही पॉइंट यही ग्राफ आपको और बार बार मिलेगा 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। ये हाइट होगी इसकी। ओके, अब आते देखो इसके ऊपर मुझे इसमें ये ऐड करना है बॉक्स ऑफ टी। बॉक्स ऑफ टी की वैल्यू हर दो इंटीजर के बीच में चेंज होती है, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी 0। मैं यहाँ बॉक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना, 1 से 2 के बीच में 1 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में 2 हो जाएगा। अब फाइनली इसका ग्राफ देखो कैसा होगा।
तो जीरो से वन के बीच में, तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, तो आपको ग्राफ मिलेगा किसका, अंडर रूट फ्रैक्शन पार्ट टी का, मतलब ये पोर्शन, तो इसमें जीरो ऐड कर दो ये, तो ये पोर्शन एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा। अब वन से टू वाला जो पोर्शन है ना, तो ये तो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अंडर रूट फ्रैक्शन पार्ट टी का ग्राफ, इसमें वन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ बॉक्स वन है तो वन ऐड करेंगे ना, तो ये ग्राफ वन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये डिस्टेंस भी कितनी है भाई, वन वन, तो शिफ्ट होगी ये पॉइंट यही आ जाएगा और ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये इंक्लूड हो गया। yes. अब सिमिलरली इस वाले में टू ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स एक्स का वैल्यू टू हो गया, तो ये ग्राफ टू हाइट पे जाएगा। अब देखिएगा यहां से यहां तक की हाइट भी टू ही है, तो ये वाला पोर्शन यहां से उड़ के सीधे यहां पहुंच जाएगा और ये टू से थ्री के बीच में करोगे एंड सो ऑन, ऐसा आप इसका ग्राफ बनाते जाइए। तो आप देखिए पूरा का पूरा ग्राफ जो है इंटरवल जीरो कॉमा इंफिनिटी में क्या है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस है। वापस से सवाल पे आते हैं, देखो अब ऑप्शन चेक करने की बारी है। तो पहला ऑप्शन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, बिल्कुल है ना, एक्स अगर जीरो से पाई बाय टू तो ही टी जीरो से इनफाइनाइट, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी ऑटोमेटिकली गलत होगी क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस बोल रहे हैं बीच बीच में, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी सर, इसमें क्या है, fx इक्वल टू g डेस x ऑफ दिस पार्ट वेयर g डेस इज द डेरिवेटिव ऑफ gx एंड इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि gx आपका एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट इफ, मतलब इस फंक्शन fx की लिमिट क्या करती है बच्चों, एग्जिस्ट करती है, तो बताना है कि gx को कौन सा फंक्शन अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो देखें आपको तो इसमें एक काम करते हैं कि इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दी है तो इसके एल एच एल आर एच एल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलो पहले अपन आर एच एल की बात कर लेते हैं। तो आर एच एल इक्वल टू क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, अब इसमें देखो एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये तो एजिटिव, अब इसमें डायरेक्ट देखें आप जीरो प्लस की बात करोगे तो वन अपॉन जीरो प्लस प्लस इनफिनिटी और वन अपॉन जीरो प्लस अगेन प्लस इनफिनिटी, ये तो आगे माइनस इनफिनिटी, ये भी क्या आगे माइनस इनफिनिटी, पावर माइनस ई की पावर माइनस इनफिनिटी, तो ई की पावर माइनस इनफिनिटी तो जीरो होगा, तो ये क्या बनेगी जीरो बाई जीरो, सॉरी इनफिनिटी बाई इनफिनिटी। तो जब भी इनफिनिटी बाई इनफिनिटी फॉर्म हो तो क्या करते हैं, जिसकी वजह से इनफिनिटी है उसको कॉमन लो, तो वन अपॉन जीरो वन अपॉन इनफिनिटी को जीरो में कन्वर्ट कर देगा आपका। तो न्यूमेटर डिनोमेटर में आपको क्या करना है, ई की पावर वन बाई एक्स को बेटा कॉमन लेना है, तो जब कॉमन लोगे तो आ गया वन माइनस e की पावर माइनस टू बाई एक्स अपॉन वन प्लस e की पावर माइनस टू बाई एक्स, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म उसी को कॉमन लो तो वो इजिली रिमूव हो जा सकती है उसमें से। तो देखो अब जीरो प्लस की बात करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, ये भी माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो वन अपॉन वन इज वन, मतलब इसको सोल्व करने पर इसका आर एच एल हो गया जी डैश जीरो जीरो, ठीक है जी डैश जीरो प्लस लिख देते हैं इसमें। फिर अपन बात करते हैं एल एच एल की, तो देखो एल एच एल की केस में क्या होगा, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जी डैश एक्स, जीरो माइनस के केस में वन अपॉन जीरो माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो बन गया प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी, तो ये तो बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और ये दोनों क्या बनी जीरो, मतलब इस बार आपको दिस पार्ट को कॉमन लेना है। जब आप दिस पार्ट को कॉमन लोगे तो ये आ गया बेटा e की पावर 2yx माइनस 1 अपॉन e की पावर 2yx प्लस, अब जीरो माइनस की बात करोगे तो e की पावर माइनस इनफिनिटी जीरो, e की पावर माइनस इनफिनिटी जीरो, तो माइनस वन एंड माइनस में, तो इसका एल एच एल आ गया माइनस जी डैश जीरो माइनस, ठीक है। मतलब अब आपको सिंपल सी बात है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो इसका मतलब g डैश जीरो प्लस इक्वल टू g डैश जीरो, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो अपन ऑप्शन से बात कर लेते हैं, gx इज एनी पॉलीनोमियल फंक्शन, तो gx को अगर एनी पॉलीनोमियल फंक्शन कंसीडर करोगे तो ये लाइन ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकती, जैसे कोई भी आप फंक्शन लेट करके देखो तो कभी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है दोनों केस में, ठीक है। gx को sin x लोगे तो सिंपल सी बात है इसका g डैश x क्या होगा cos x, तो g डैश जीरो प्लस
वन और ये माइनस वन तो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये भी फंक्शन रॉन्ग हो सकता है। फिर जी एक्स इक्वल टू लोगे एक्स क्यू एच एक्स, वेयर एच एक्स इज एनी पॉलीनोमियल। तो देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो इसका क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, एक्स क्यू जीरो पे जीरो होगा, तो अगर एच डैश एक्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट है उस केस में भी इसका मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा। और करके देख लो आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करोगे तो क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर एच एक्स प्लस एक्स क्यू एच डैश एक्स। अब सुनो इधर, जी डैश जीरो प्लस लो जीरो माइनस, ये जीरो और एच एक्स आपका पॉलीनोमियल है, तो एच एक्स और एच डैश जीरो भी आपके डिफाइंड होंगे, तो ये कंप्लीटली वैल्यू क्या होगी बोलो, जीरो, मतलब एल एच एल आर एच एल दोनों जीरो होंगे। तो उस केस में ये फंक्शन अपन ले सकते हैं। और e की पावर x की बात करूं तो एज इट इज cos x की तरह e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो g डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी वन, तो एल एच एल आर एच एल दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। If the function is defined as this is continuous at x equal to 0, ठीक है भाई, x equal to 0 पे continuity की condition लगानी है, और बहुत simple सी condition हम लगाएंगे जो सबको पता ही है, LHL equal to RHL equal to value, तीनों बराबर होना चाहिए। तो value तो अपने को given है, देखो 3 है, LHL से शुरू कर देते हैं ना, LHL का value जो है solve करने पे 3 आना चाहिए, मतलब अपने को ये पता लग गया कि A, एक लाइन के ऊपर बात करूं मैं यही लिख देता हूं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 3, यस, एंड वी पुट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यस, ये वैल्यू जो है भाई 3 आनी चाहिए। अब मुझे एबीसी निकालनी, तो चलिए मैं आना, देखो दो तरीके हम एक्सपेंशन से कर सकते हैं और हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल पे चल जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर में भी 0 बनना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी अगर नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो विल टेंड्स टू इनफिनिटी, तो ये भी जीरो होना चाहिए। तो अगर हम यही वैल्यू डाल दें सीधे, तो अभी न्यूमरेटर क्या बन रहा है, न्यूमरेटर बन रहा है ए प्लस बी प्लस 5, है ना, अभी न्यूमरेटर में लिमिट लगा देते, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, एक कंडीशन आ गई। अब अगर ये जीरो है तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई, ओके, सो वी कैन यूज लॉपिटल रूल, तो वो हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हाँ जी डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस a और x sin x का हो गया sin x प्लस x cos x प्लस b cos x, ना तो माइनस के b sin x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 2x को मैं क्या करता हूँ, 2 को तो इधर साइड में लिख देते हैं कहीं, x से कर दो डिवाइड से ना, यहाँ पे तो 2 कर देता हूँ मैं और x इनको डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे हो गया, ये वाला x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ x हो गया। और अब अगर इसमें लिमिट लगाएं तो देखिए क्या मिलता है, माइनस ए, दिस इज 1, दिस इज 1, 2 sin x / x 1 होता है x टेंड्स टू 0 पे, माइनस b और ये / 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3। तो यहां से आपको सेकंड कंडीशन मिली कि 2a प्लस प्लस b इक्वल टू माइनस 6। इन दोनों को सॉल्व करके अपन ये और b निकाल लेते हैं, तो सीधे सीधे इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, yes. तो a का वैल्यू आएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, यस, b का वैल्यू हो गया, भाई a का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दो तो b का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 4, तो दो वैल्यू तो पता चल रही। तो देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड करेक्ट, सेकंड ऑप्शन अपना सही हो गया। अच्छा सिंगल चॉइस सवाल है तो वैसे आगे जाने की जरूरत है नहीं, और देखना चाहे तो कर सकते हैं। देखो जैसे इसको देखिए, अभी इसमें अगर लिमिट लगाते हैं चल निकालने के लिए, तो ये 1 पावर इनफिनिटी फॉर्म बन रहा है, सही है, तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं भाई, ई टू द पावर 1 बाय एक्स एंड इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो सी एक्स प्लस dx cube upon x square तो finally हो गया e की पावर c by x square plus dd और ये 3 आना चाहिए लिमिट लगाने पे। अब लिमिट लगाओगे तो ये टर्म देखो, ये नॉट डिफाइन इनफाइनाइट को ले जाएगी, तो इसका मतलब ये टर्म होनी नहीं चाहिए, c 0 होना चाहिए ताकि ये टर्म खत्म हो जाए, तो तीसरा गलत हो गया अपना। अगर c 0 है तो ये e पावर d आ गया, तो e पावर d का वैल्यू 3, यानी d का वैल्यू होना चाहिए ln 3 log 3, वो ऑप्शन में है नहीं, सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हां सिक्स क्वेश्चन देखें,
एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बॉक्स, ठीक है, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट विच पॉइंट, मतलब आपको इसको देखना है कि किन किन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपको पता है कि ये इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो आप ऑल इंटीजर पे चेक करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, तो अपन इसको जनरली सॉल्व करते हैं। ये तो पता है कि स्टेप एक्स नॉन इंटीजर पे तो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, तो इसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो ऑलवेज आपको चेक करनी है इंटीजर पे। तो लेट करो कि लेट आपने एक्स इक्वल टू एन लेट किया और एन आपका है बच्चों इंटीजर, तो अब एक्स इक्वल टू एन पे ये देखना है कि किन किन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो क्या करें इसमें, अगर ये एक्स इक्वल टू एन पे कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सेम। तो देखो अपन बात करते हैं आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, तो आर एच एल का मीनिंग क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस, अब देखो एन प्लस का स्टेप क्या होगा एन, तो ये आगे बेटा सीधे लिख देते हैं एन स्क्वायर या फिर लिख ही देते हैं इसको एन स्क्वायर लिमिट पुट करने पे, और एन स्क्वायर एन से जस्ट ग्रेटर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा एन स्क्वायर से जस्ट ग्रेटर, तो उसका स्टेप भी क्या आ गया बेटा एन स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट पुट की वैल्यू आपने, और जब एफ ऑफ एन की बात करोगे तो वो तो जीरो आ रहा है और ये भी जीरो है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एल एच एल में देखो इस एन माइनस का स्टेप क्या होगा एन माइनस वन का स्क्वायर, एन माइनस वन का स्क्वायर और माइनस ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा एन स्क्वायर से जस्ट लेस, तो उसका स्टेप आ गया बेटा एन स्क्वायर माइनस एक कम कर दो उसमें, ठीक है। तो मतलब दिस पार्ट आपका क्या होना चाहिए जीरो, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या आ गया एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन और माइनस एन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एन स्क्वायर तो कैंसिल, तो बेटा ये आ गया टू एन इक्वल टू 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 देन एन इक्वल टू वन, मतलब एन इक्वल टू वन पे ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस और रिमेनिंग इंटीजर पे क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस, तो उसके अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के रिमेनिंग सारे इंटीजर पे क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सेज द फंक्शन fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ओके सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग ग्राफ। द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज मेक ग्राफ ऑफ दीस टू कर्व देन टेक देयर मिनिमम वैल्यूज, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 and that is very simple, mod x ऐसा होगा कुछ यहाँ 1 नीचे ले जाओ इसको, ये ग्राफ this point is 1 x equal to 1 here x equal to 0, now the graph of y is equals to mod x minus 1 minus 1, देखिए कैसा होगा mod x यहाँ है mod x minus 1 के लिए 1 उसको shift करेंगे तो यहाँ आ जाएगा curve फिर उसको 1 नीचे ले जाएंगे तो वो आएगा कुछ आपके पास ऐसा, तो ये दोनों curve आ गए। Now we have to take fx equal to minimum of these two. So minimum of these two curve is this curve up to here. After that again on this curve, then this curve, then this curve. So जो black line से है, this is y is equals to f of x. इन दोनों का minimum है. अब ये कितने point पे non differentiable आप देख सकते हो, zero पे, half पे और one पे. ये तीन point है जहाँ पे sharp edges बन रहे हैं. जहां शार्प एजेस होते हैं कर्व में वहां नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है, सो राइट आंसर मस्ट बी 3, अब 3 पॉइंट आंसर मस्ट बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि 0 से 2 में आपको एक फंक्शन fx गिवन है x2 - x + 1 का स्टेप इज डिसकंटीन्यूअस है, कि 0 से 2 में किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखो सिंपल सा मेथड है, आप पहले इस अंदर वाले पार्ट का ड्रॉ करो डायग्राम, सिंपल सी बात है जो स्टेप फंक्शन है वो जनरली इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो अपने इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसको ढंग से देखें, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपका पॉजिटिव है तो इसका डायग्राम होगा अपवर्ड पैराबोला, और सिंपल सी बात है इसका डी नेगेटिव है तो इट इज अबव द एक्स एक्सिस, और इसका वर्टेक्स क्या लिखते हैं अपन माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस के डी अपॉन फोर, तो वर्टेक्स की बात करोगे तो
ए वन है तो एक्स इक्वल टू हाफ है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो कहीं इधर होगा, वन बाई टू कॉमा जीरो, ठीक जीरो, मतलब ये तो पॉइंट लिखा है एक्स एक्सिस पे, मतलब इसका रफली डायग्राम बनाओगे तो वो ऐसा इस टाइप से ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। जब एक्स को जीरो लोगे तो ये वन आ गया, ये वैल्यू वन से छोटी होगी, तो देखो जीरो पे वैल्यू वन है और वन बाई टू पे दिस है, और टू पुट करने पे फोर फाइव माइनस टू थ्री आ गया, मतलब टू के रिगार्डिंग इसकी वैल्यू होगी थ्री। ये थ्री की लाइन है, जीरो पे वन था तो बिटवीन एक आ गया आपका टू, मतलब जीरो से टू में जो स्टेप जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन है इसका डायग्राम होगा इससे अबव। तो अब आपको ये देखना है कि जो स्टेप फंक्शन है वो इंटीजर पे क्या हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो देखो जैसे वन बाई टू की बात करोगे तो वन बाई टू पे तो वैल्यू नॉन इंटीजर है तो ये तो ऑलवेज क्या होगा कॉन्टिन्यूस, जीरो पे चेक करना नहीं है अपन को ना टू पे चेक करना है, तो ओनली बात आती है दिस पॉइंट की। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब बात करोगे तो देखो जैसे लेट अल्फा वाला ऐड किया आपने, तो अल्फा से जस्ट ग्रेटर की बात करोगे तो उसका स्टेप तो टू होगा, और अल्फा से जस्ट लेस लोगे तो उसका स्टेप क्या होगा वन। इसका मतलब ये दिस पॉइंट पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूस। तो इसको कैसे फाइंड करना है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो लिख दो और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी फाइव बाय टू, माइनस लोगे तो वैल्यू नेगेटिव, अल्फा आपका वन से टू है या तो वैल्यू क्या होगी वन प्लस रूट फाइव बाय टू, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो सकता है इसका वन प्लस रूट फाइव बाय टू, ठीक है। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन तो गिवन नहीं है कि वन की रिगार्डिंग वैल्यू इधर होगी इस पॉइंट पे, तो ये वन पे भी आपका क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस। तो वन लाने के लिए तो सिंपल सी बात है, जब इसको वन लोगे ना तो एक तो एक्स जीरो आता है और एक एक्स आता है वन, एक्स जीरो वन, जीरो को लेना नहीं है क्योंकि नॉट इंक्लूडेड है, तो वन पे भी क्या होगा ये डिसकॉन्टिन्यूस। तो अभी तो इसका फर्स्ट ए की ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is f of x equal to this is continuous at x equal to 0 then find the value of lambda। So again वैसा ही क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी में सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, एक ही फंडा है कि LHL RHL और वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तो आइए शुरू करते हैं, देखिए इसको लिमिट निकालते हैं पहले। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर आप इस टर्म के फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करें देन यू गॉट 4 पावर x माइनस 1 2 पावर x माइनस 1, ये फैक्टर है, x स्क्वायर को सेपरेटली दोनों को ऐसे डिवाइड कर दो। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, a पावर x माइनस 1 अपॉन x x टेंड्स टू 0 पे log a होता है, सो दिस विल बिकम log 4 मल्टीप्लाई विद log 2। ओके अब बारी इसकी, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी जितने भी फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व है सबके सब कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनके LHL RHL वैल्यू सब बराबर ही हुई, तो सीधे आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं एफ ऑफ जीरो, और वही एफ ऑफ जीरो माइनस भी हो जाएगी, करेक्ट। और वो कितनी आएगी देखिए, इफ यू पुट x टेंड्स टू 0 दिस विल बिकम 0 दिस विल बिकम 0, सो ओनली यू गॉट लैम्डा ln 4। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो log 4 से log 4 कैंसिल, लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए log 2। So third will be the right answer. Next question पे move करते हैं। Question number 10. 10 question देखें। इसमें एक function given है आपको। Then set of all points at which the function is not differentiable. और देखो इसमें बात करोगे तो आप इसका diagram बनाना तो थोड़ा complex होगा, ठीक है? तो उसको एक second method से देखते हैं। Function generally किन point पे non-differentiable होगा? जिन पे sharp corner होते हैं, ठीक है? और simple सी बात है कि इसके अंदर मोड एक्स आ रहा है, जब भी वाई इक्वल टू मोड एक्स की आपको डिफरेंशियलिटी चेक करनी है तो कहाँ चेक करोगे, जिन पॉइंटों पे मोड के अंदर वाला पार्ट क्या हो जीरो, उन्हीं सस्पिशियस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू, और ये जीरो पे जीरो है तो जीरो पे मे बी ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, नॉन डिफरेंशियल हो सकता है। तो टोटल 4 सस्पीशियस पॉइंट हो सकते हैं 0, 1, 2 एंड 3। अब देखो करना कैसे इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से, पहले अपन बात करते हैं दिस पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसको एक फंक्शन एड कर लेते हैं जी एक्स, समझना ढंग से, और ये जी एक्स फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है।
और इस मोड वाले पार्ट को एक न्यू फंक्शन लेट कर लेते साई एक्स, इसको थोड़ा एडिट रखो क्योंकि तो सिंपल सी बात है, इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे इसके डिफरेंशिएशन में तो ये तो 1, 2, 3 पे ऑलवेज क्या होगा डिफरेंशिएबल, तो आपको 1, 2, 3 पे देखनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ये अपन को पता है कि ये पॉलीनोमियल फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप और उसमें वैल्यू पुट करोगे तो 100% ही क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। अभी मोड की वजह से देखो क्या करना है कि जब मोड लगाओगे आप तो एक्स लेस देन 1 लोगे तो ये नेगेटिव के साथ ओपन हो सकता है, तो 1 से ग्रेटर लोगे तो पॉजिटिव के साथ, अप टू सो ऑन। बट इसमें जब एक्स इक्वल टू 2 की बात करोगे आप तो सिंपल सी बात है कि जो मोड 5x है ये आपका 2 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। बट इस केस में g ऑफ 2 की वैल्यू ऑलवेज क्या है 0 है, तो ये 2 पे इसको क्या बना देगा बोलो डिफरेंशिएबल। तो ये जो 5x फंक्शन है मोड ऑफ दिस पार्ट ये 1 2 और 3 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब उसमें LHL RHL की वैल्यू डिफरेंट होगी। बट उसमें जब आप g2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो g ऑफ 2 आपका 0 होगा, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या बन जाएगा डिफरेंशिएबल और 1 और 3 पे बनेगा नॉन डिफरेंशिएबल। फिर अपन इसकी बात करते हैं fx इक्वल टू दिस पार्ट की, तो इसको 0 पे देखना है तो एक काम करो 0 प्लस और 0 माइनस पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 0 प्लस की बात करोगे तो क्या गया x अपॉन 1 प्लस x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो x का 1, तो दिस इज डिनोमिनेटर एडिटिव माइनस x एडिटिव इसका करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। और नीचे की बात करोगे तो देखो क्या आने वाला है, इसको फिर माइनस करना तो ये माइनस होगा और ये एक्स एजिटिव तो एक माइनस वन हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया तो सेम आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें जब 0 प्लस है 0 माइनस पुट करोगे तो ये वैल्यू दोनों क्या मिलने वाली है 1, और 0 पे ये वाला पार्ट क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन 0 पे भी क्या होगा सॉरी 0 पे क्या है डिफरेंशिएबल और ये भी क्या है 0 पे डिफरेंशिएबल, तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो 0 पे और 2 पे तो क्या होगा डिफरेंशिएबल बट 1 एंड 3 पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब इसमें मॉड भी है और बॉक्स भी है और हमें पता करना है क्या पता करना है, ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है सभी एक्स के लिए, कंटिन्यूटी चेक करनी है डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा अपने को, तो इस फंक्शन को लिख लिया, वो फंक्शन लिख लिया क्या है ये y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर 0 से 1 एंड x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 एंड व्हेन x लाइंग बिटवीन 1 एंड 2 दैट इट इज x square, box of x square minus 2x. Okay. चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ, उससे ना सारे क्वेश्चंस के जवाब हमको एक ही बार में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट शीट पे आता देखिए, पहले इसी को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो 4x square minus 1 का मोड ऐसे लिखो, चलेगा मोड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4x square minus 1 का ग्राफ अगर मैं देखूं y is equals to 4x square minus 1, 4x स्क्वायर ऐसा होता है वर्टेक्स 0 पे 1 नीचे जाके ऐसा हो गया कुछ, ये पॉइंट हुआ है जहां पर ये 0 हो जाए, आप 0 पुट करोगे वर्टेक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, तो ये हाफ इधर से मेरे को मतलब ही नहीं, देखो 0 के आगे बात करनी है। तो 0 से 1 में अच्छा 1 पे वैल्यू कितनी आएगी भाई 3, सो दिस इज 1, 3, तो इतना सा करो देखिए और दिस इज 0, -1। अब इस पे अगर मॉड लगा दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ, 0 पे वैल्यू आएगी 1, ये माइनस 1 है मोड लगाने पे 1 हो जाएगा, हाफ पे 0, तो आप समझते ना कि फोल्ड होके ऊपर चला जाएगा ऐसे और ये पहुंचेगा यहाँ 3 तक 1 पे, नॉट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, दिस इज 1, 3, ये हाफ कॉमा 0, ये इसकी कहानी तो खत्म। इधर आ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इट कैन बी रिटन सिंपली x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका ग्राफ जो है बच्चों कैसा हो गया, अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स है यहाँ 1 पे
ओके, वन कॉमा माइनस वन, ये इसका वर्टेक्स है। टू पे इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पुट करके जीरो आ रही है। अच्छा मुझे डिस्कस करना वन से टू के बीच में, तो वन से टू के बीच में आप ध्यान से देखो पूरा का पूरा वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में आ रहा है, तो उसका बॉक्स लेंगे तो इट विल बिकम माइनस वन, यानी वन से टू के बीच में ये वाला जो अपना कर्व है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन नॉट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। ये ग्राफ ठीक है, अब इसको देख के हम सारे ऑप्शन के जवाब दे सकते हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन थे। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, गलत हो गया, आर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, जीरो से टू के बीच में ही फंक्शन डिफाइन है केवल। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, तो ये भी गलत है, वन पे ब्रेक हो रहा है। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन एंड हाफ, ये सही है, वन पे डिफरेंशिएबल नहीं क्योंकि डिसकंटिन्यूअस और यहाँ शार्प पॉइंट बन रहा है। और चौथा डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू हाफ, तो गलत है, शार्प पॉइंट है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी, सो ओनली थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 12, इसमें फंक्शन जो मैंने आपको f(x) इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस पार्ट 0 टू 1, तो अगेन जो सर ने क्वेश्चन किया था ना उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम को डायग्राम से करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में 0 से 1 में, हां तो सिंपल सिंपल से डायग्राम में तो अपन देख लेते हैं, चलो सेपरेट कर देते हैं। मैक्स ऑफ क्या है, x स्क्वायर, नेक्स्ट है बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट होगा 2x ऑफ 1 माइनस है। ठीक है, और 0 से 1 में करना है, ध्यान रखना। तो चलो अपन सबके डायग्राम पकड़ते हैं। fx इक्वल टू, तो 0 से 1 में y इक्वल टू x का डायग्राम तो बनेगा बड़ पैराबोला, x 0 से 1 है ध्यान रखना सभी, ये आ गया 0 से 1 में जाएगा, ये 0 है और 1 पे वैल्यू हुई लेट 1। उसके बाद x y इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 के स्क्वायर की बात करते हैं, तो देखो ये भी अबड़ पैराबोला है और 1 पे 0 होगा और 0 पे वैल्यू, मतलब इसका डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे और ये 1 पे 0 है, तो अपन को तो ओनली 0 से 1 में यूज करना है, तो बस डायग्राम को इतना ही पार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 0 से 1 में ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले इन दोनों की बात करोगे तो देखो ये जो पॉइंट है, तो दिस इक्वल टू दिस करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 1/2, क्योंकि 1/2 पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो चलो ये भी बना देते कि पॉइंट आपका हाफ कॉमा 1/4, हाफ कॉमा 1/4। ठीक है, इसके बाद 2x ऑफ 1 माइनस x, जब 2x, तो देखो ये 0 पे 0 है, 1 पे 0 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका डायग्राम होगा डाउनवर्ड पैराबोला, तो चलो रफली इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं पहले, मतलब 0 पे 0, 1 पे 0 और डायग्राम को लेना डाउनवर्ड पैराबोला, ये तो 0 से 1 के 2 है, लेकिन सॉरी 0 से 1, हाँ तो ये डायग्राम आपको लेना है, बट आप इसकी एक बार हाइट देखो कि हाइट क्या होगी, ये 0 और 1 है तो इसकी हाइट के लिए मिडिल पॉइंट होगा 1/2, तो 1/2 पे क्या आ गया बेटा, हाफ ही आ गया, इसका मीनिंग ये तो 1/2 पे 1/4 था और ये 1/2 पे दिस 1/2 होगा, मतलब इसका जो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो इस टाइप से ड्रॉ होने वाला है, तो चलो कर देते हैं ड्रॉ। ये तीनों पार्ट के अपने डायग्राम ड्रॉ मैक्सिमम, अब लेना है मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो देखो मैक्सिमम की बात करोगे तो ये पॉइंट है आपका 1/4, आप दिस पार्ट को दिस के इक्वल कर देना और दिस को दिस के इक्वल, तो ये तो पॉइंट आने वाला बेटा 1/4 और इसी के सिमेट्रिक ये पॉइंट मिलेगा आपको 3/4, और जरूरत भी नहीं है पॉइंट्स की, तो आप तो नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात की गई है, तो देखो इसका मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, ये फिर उसके बाद दिस पोर्शन होगा, फिर उसके बाद दिस पोर्शन, तो ये देखो इस पे शार्प कॉर्नर है इसे, तो जी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट में फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। एक बार ऑप्शन से देखते हैं, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, गलत होता है, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स एक्स कैप 2 पॉइंट, ये सही है कि 2 पॉइंट के अलावा रिमेनिंग 0 टू 1 में ऑल पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशियल, अगले में तो 1 पॉइंट और मोर देन 2 पॉइंट बोला गया तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 सेज फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स,
फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए तो भाई इसको देखो कि यहां देखो ये लिमिट लगानी है मुझे इनफिनिट और ये एक्स भी है, राइट। जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो x एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप ऐसे देखिए, अगर मैं x को ले लेता हूं इंटीजर, yes. है ना, तो साइन पाई इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन का वैल्यू जीरो होता है, तो दिस कॉन्स्टेंट विल बिकम एग्जैक्टली जीरो। ओके, दिस टर्म इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट, और दिस टर्म विल बिकम एग्जैक्टली जीरो, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो और ये वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, लिमिट लगाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, आपको मिलेगा वन। तो जब भी x इंटीजर होगा इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वन। व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं है तो ये माइनस वन से वन के बीच में ओपन इंटरवल में कोई वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है, दिस इज नॉन जीरो। तो अब ये नॉन जीरो टर्म एंड इट इज नॉन जीरो और फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो एंड नॉन जीरो मल्टीप्लाई विद इंफिनिटी। अब लिमिट लगाएंगे दिस विल टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वन बाई इंफिनिटी फॉर्म जीरो, दैट विल बिकम जीरो। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है कि हर इंटीजर पे वैल्यू वन है, बाकी सब जगह जीरो जीरो। तो रेंज जो है इसकी उसमें दो एलिमेंट है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत, एफ इज कंटिन्यूस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, हर इंटीजर पे लिमिट तो आएगी जीरो, वैल्यू आएगी वन, तो ये सही हो गया, एफ इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। चौथे में बोला कि कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो गलत है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, 14 क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफएक्स ऑफ दिस पार्ट इज नॉन डिफरेंशियबल। तो देखो क्या करना है इसमें, एफएक्स इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये बन गया मोड एक्स का क्यूब, तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स की क्यूब की पावर 1/3 माइनस मोड एक्स माइनस 1। अब देखो ये पावर 1/3 है तो आप सीधा कैंसिल कर सकते हो, 1/2 1/4 के केस में क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये आ गया मोड एक्स माइनस मोड एक्स जीरो। तो सिंपल सी बात है, इसमें फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो ये फंक्शन एक्स की ऑल वैल्यूज पे क्या होगा, डिफरेंशियबल, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू। देखो जब भी आपको बोले ना कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, तो बिफोर अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी आपको अप्लाई करना चाहिए कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होना जरूरी है, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी होगी, क्योंकि देखो कॉस इसमें दो अननोन है, तो अगर मैं केवल डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन लगाऊंगा तो उससे मुझे केवल एक कंडीशन मिलेगी, दो अननोन है तो दो कंडीशन चाहिए, तो पहले कंटिन्यूटी की लगाते हैं, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, LHL RHL बराबर आनी चाहिए। यहाँ से आप देखिए LHL तो क्या आएगी, वन पे वन, यहाँ से RHL ये चूंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो RHL और वैल्यू सेम ही होगी, और वो कितनी हो जाएगी, a प्लस साइन इनवर्स वन प्लस b, यस, ये एक इक्वेशन अपने को यहाँ से मिल गई। ओके, अब डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन लगा देते हैं कि वन पे डिफरेंशियबल होना चाहिए, राइट। देखो ये फंक्शन भी डिफरेंशियबल है ना, सेपरेटली देखें तो ये भी सेपरेटली देखें तो डिफरेंशियबल है, राइट। कंटिन्यूटी मैं पहले मान चुका हूँ, तो ऐसे केस में बच्चों आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही यूज कर सकते हैं, यस yes. कि अगर आपको कब कर सकते हैं, याद रखना जब कंटिन्यूस हो, ओके, देन यू कैन यूज डिफरेंशिएशन डायरेक्टली। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इधर से मिलेगा, तो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यू गॉट वन। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आपको वो राइट साइड वाले पार्ट से मिलेगा, और वो कितना होगा, a का 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लगा दिया। अब ये हमें कब निकालना है, एट x इक्वल टू 1 पे, तो व्हेन x टेंड्स टू 1 देन दिस विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा यहां पे कितना आएगा भाई, 1 प्लस b का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यस, सो दैट शुड बी इक्वल टू 1। और आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो भी आप समझ जाएंगे कि b प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0 0। तो इस तरह से b का वैल्यू आया -1 -1, b का वैल्यू -1 अगर आप यहां यूज कर लेंगे तो ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 1, सो 1 और -1 थर्ड ऑप्शन है शायद, थर्ड ऑप्शन
जो है ये सही आंसर होगा। ओके, जब भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो याद रखना है, तभी कर सकते हैं जब फंक्शन कंटीन्यूअस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया कि स्टेप डिनोट दी जीआई फंक्शन एंड एफएक्स ऑफ दिस पार्ट इज डिसकंटीन्यूअस है। आपको वन बाय वन देखना है कि 0, 1, 2, 3 में किन पॉइंटों पे डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर, और उसको जब पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एन पाई इज ऑलवेज 0, तो इसको तो अपन डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। तो आपका फंक्शन आ गया एफएक्स इक्वल टू स्टेप एक्स साइन पाई अपॉन इंटीजर, स्टेप के अंदर से इंटीजर पार्ट को अपन डायरेक्ट बाहर ला सकते हैं, तो ये आ गया स्टेप एक्स प्लस वन अपॉन स्टेप एक्स प्लस वन। ये आपका फाइनली फंक्शन है। अब देखो क्या करना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बात करोगे कि इस फंक्शन की डोमेन देखो एक बार, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं ले सकते और इधर भी इसको जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब इस डोमेन की कंडीशन होगी इसमें स्टेप एक्स प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन स्टेप एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो स्टेप की वैल्यू माइनस वन कब होगी, जब एक्स माइनस वन टू ओपन जीरो लोगे। तो ये आ गया एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस टू जीरो, मतलब इस केस में तो बात ही नहीं करनी अपन को। तो देखो माइनस वन से जीरो के अलावा रिमेनिंग जो पॉइंट है वो क्या होंगे, डोमेन होगी इसकी आर माइनस माइनस वन कोमा, तो इनके बिटवीन जो पॉइंट्स हैं उन पे आप इसकी डिस्कंटिन्यूटी चेक करोगे। अब इधर देखिए क्या करना है इसमें, आप जनरली इसको ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर है, और नॉर्मली ऐसे देखो पहले तो माइनस वन और जीरो को छोड़ो एक बार, रिमेनिंग जितने भी इंटीजर हैं, नॉन इंटीजर सॉरी, तो नॉन इंटीजर पे स्टेप फंक्शन भी आपका कंटीन्यूअस होगा और साइन डिस्पार्ट भी कंटीन्यूअस, तो दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होगा, कंटीन्यूअस। तो इन नॉन इंटीजर पे तो ये फंक्शन एफएक्स आपका ऑलवेज क्या होगा, कंटीन्यूअस। तो आपको इसको ओनली इंटीजर पे इसकी डिस्कंटीन्यूटी चेक करनी है या कंटीन्यूटी चेक करनी है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं कि किन ऑप्शंस पे इसको चेक करना है। तो देखो, एक तो बोला गया x इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि जीरो डोमेन में है, आप जीरो और जीरो प्लस पे एल एच एल और एफ ऑफ आर एच एल और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू को चेक कर सकते हो। तो देखो फटाफट देख लो, एफ ऑफ जीरो तो सिंपल सी बात है, जीरो साइन बाई जीरो और वन, तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो आ गया, और एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करोगे बेटा तो जीरो प्लस पे स्टेप जीरो प्लस भी जीरो होगा, तो अगेन वैल्यू क्या होगी, मतलब जीरो पे तो फंक्शन आ गया आपका कंटीन्यूअस। अब आपको वन टू थ्री की बात करनी है, तो आप वन बाई वन चेक कर सकते हो इजीली। तो जैसे एफ ऑफ वन की बात करोगे आप, ये वन पे वन, वन तो साइन पाई बाई टू वन, तो ये आ गया वन बाई टू, ठीक है। और एफ ऑफ वन प्लस लोगे आप, तो देखो वन प्लस में भी सब तरफ स्टेप है, तो स्टेप का बिहेवियर वन प्लस पे भी सेम होगा, तो ओनली बात करो वन माइनस की, ठीक है। तो वन माइनस का स्टेप क्या होगा, जीरो, और ये बेटा जीरो, तो ये साइन पाई, तो ये आ गया जीरो, मतलब वन पे क्या आ गया, डिसकंटीन्यूअस। ऐसे ही जब टू की बात करोगे तो एफ ऑफ टू तो क्या बन गया, साइन पाई बाई थ्री, मतलब कंटीन्यूअस होगा साइन पाई बाई थ्री, ये भी एक वैल्यू होगी फिक्स, और एफ ऑफ टू प्लस पे ये कोई वैल्यू लिख देते हैं, इसको टू ले लो इसको, और साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू, और ये आ गया थ्री, इस टाइप से कुछ होगा। बट जब एफ ऑफ टू माइनस की बात करोगे तो टू माइनस का स्टेप तो क्या आ गया वन, और इधर साइन पाई बाई टू वन, और ये आ गया आपका नीचे टू, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो टू पे भी क्या आ गया, डिसकंटीन्यूअस। सिमिलरली जब थ्री पे बात करोगे तो ये थ्री पे भी क्या आने वाला है, डिसकंटीन्यूअस। ये वैसे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, गलत लिख दिया उन्होंने, तो ये फंक्शन वन टू और थ्री पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। तो इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं जल्दी से। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस फॉर रियल एक्स एंड वाई, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, देन एफ एक्स इज, तो एफ एक्स सतत किन किन बिंदुओं पर है ना, ये पता लगाना है। अच्छा, वन पे कंटिन्यूस है ऐसा अपने को गिवन है, तो अगर ये वन पे कंटिन्यूस है तो पहले वन की कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा देते हैं कि एफ ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू लिमिट और एच टेंस टू जीरो H, ऐसे H, plus, minus, दोनों, तो LHL, RHL, दोनों, एक साथ ही चल रही है।
Now using this definition, we can write limit h tends to 0, f of 1 plus f of h, or f of 1, f of h cancel ho jayenge. And finally, you got 0 equals to limit h tends to 0, f of h. Ye mil. अब बात करते हैं कि किसी और पॉइंट पे बात करता हूँ, लेट एट x इक्वल टू a बात करता हूँ किसी दूसरे पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पे मैं लिमिट निकाल लूँ, उसकी बोथ लिमिट है ना, LHL और RHL दोनों, तो वो हो गई f ऑफ a प्लस h. यस, इसमें जीरो प्लस लेंगे तो RHL हो जाएगी, जीरो माइनस लेंगे तो LHL हो जाएगी. अगेन यूजिंग द सेम डेफिनेशन आई कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ h. Now using this condition, this will become 0. So finally you got f of a. यानी कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट सेम आ गई, यानी ये सब जगह कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन. तो सारे ऑप्शन सही है, ठीक है, सभी बिंदुओं पे कंटिन्यूस है. फंक्शन की प्रॉपर्टीज से भी अगर आप देखें तो ये जो है, ये कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी है, दिस इज fx इक्वल टू mx, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी. और अगर आप इस कंडीशन को यूज कर लेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1. यानी ये बेसिकली fx equal to x है, which is continuous at every value of x. So चार ऑप्शन करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. हां, fx equal to given है x sin x का मॉडुलस, देन fx इज, मतलब आपको वन वे ऑप्शन को चेक करना है. तो देखो इसमें 0 पाई और 2 पाई, तो फटाफट इसको 0 पाई 2 पाई पे अपन स्प्लिट कर देते हैं. बस जीरो डेरिवेटिव देखना, हाँ डेरिवेटिव देखना, तो फटाफट स्प्लिट कर दो. तो देखो एक्स को जब जीरो से लेस, मतलब जीरो से पाई ले लेते हैं, माइनस पाई, तो जीरो से जस्ट लेस लोगे तो साइन जीरो से, देखो साइन एक्स का जो डायग्राम है वो जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो जीरो से लेस पे वैल्यू साइन की नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब मोड आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा. बस आपको मोड को ओपन करना बेटा. फिर x आप लो जीरो से पाई में. अब ये पाई पे क्यों स्प्लिट करना है, क्योंकि साइन इस अंदर वाले पार्ट की वैल्यू पाई के मल्टीपल पे क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है, तो जीरो से पाई में, जीरो से ग्रेटर, जीरो से पाई में साइन पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो ये आ गया x साइन x, और पाई से टू पाई, ओपन टू पाई की बात करोगे तो पाई से टू पाई का मीनिंग है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ ओपन करना है. और एक्स इक्वल टू टू पाई से ग्रेटर की बात कर लेते हैं, तो टू पाई से ग्रेटर का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन साइन एक्स पॉजिटिव, तो ये आ गया बेटा एक्स साइन एक्स. इसके बाद अब देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो ऑलवेज है, तो अपन इसका इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन. तो इसकी जब एविडेंस है इसकी बात करोगे, देखो सब में x sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से देख लेते हैं. x का करोगे तो आ गया sin x plus x of cos x. अब इधर देखो तो f dash x की वैल्यू देखो क्या आने वाली है, इससे 0 पुट करोगे आप तो 0 0 0 आ गया. इधर भी 0 पुट करने पे क्या आ गया, मतलब 0 की सीधा देख लेते हैं, 0 इसमें पुट करोगे आप तो 0 पे दोनों फंक्शन सेम है, तो 0 पे 0 है, मतलब f डैश जीरो की वैल्यू तो ऑलवेज क्या होगी, बोलो जीरो. ठीक है, अब आपको पाई पे इसकी LHD RHD की बात करनी है, उसी केस में बोल सकते हो कि f डैश पाई आपका माइनस पाई होगा. ठीक है, तो f ऑफ पाई माइनस का मीनिंग x sin x के डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करनी है. तो देखो sin पाई 0, cos पाई माइनस 1, तो ये आ गया माइनस पाई, और f डैश पाई प्लस वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू तो क्या होगी, माइनस पाई, बट माइनस आ रहा है इसके आगे, तो इसको क्या बना देगा, ये प्लस पाई, मतलब ये f डैश पाई डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन हो गया इसका रॉन्ग वाला. फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, तीसरा भी सही, मतलब f डैश पाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी सही हो गया. f डैश 2 पाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो देख लेते हैं, हाँ दोनों फंक्शन डिफरेंट है, बट एक बार वैल्यू पुट करके देखो, 2 पाई पे लोगे तो sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1, तो इसके अकॉर्डिंग तो आ गया 2 पाई, मतलब इसमें लोगे तो माइनस टू पाई होगा और इसमें होगा तो प्लस के टू पाई, मतलब टू पाई पे भी फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटीन्यूअस या सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल. तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 0,
वही बात, जीरो पे कंटिन्यूटी है, तीनों साइड दोनों साइड से लिमिट निकालो, वैल्यू के बराबर डाल दो। पहले तो इसको उठाते हैं, देखिए इसमें अगर लिमिट लगा दूं मैं x टेंड्स टू 0 देन इट विल बी 1 पावर इनफिनिटी फॉर्म, सो डायरेक्टली आई कैन राइट इट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर 1 बाय x मल्टीप्लाई विद दिस माइनस 1 यानी कि ax x से बच्चों x कैंसिल यू गॉट e पावर a, तो LHL तो आ रही है e पावर a, वैल्यू आ रही है इसकी b। अब RHL पे आ जाते हैं, इसमें भी लिमिट लगा देते हैं। यहाँ देखो अगर मैं अभी लिमिट डालता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, जीरो। न्यूमरेटर में बन रहा है सी पावर वन बाई थ्री माइनस वन। तो अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो होगा और नीचे जीरो हो तो फिर तो फाइनाइट वैल्यू आने से रही, तो न्यूमरेटर भी जीरो होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो वन, सॉरी वन वन है ना, यस यस राइट। तो अब सी का वैल्यू वन इसमें डाल दो तो ये ऐसे बन गया, देखो यस ओके। अब आप सीधे सीधे इसमें जो अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लगा सकते हो कंडीशन। तो इसको ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर लो तो ये इसी पैटर्न में आ जाएगी। तो ऊपर जब लिमिट लगाओगे स्टैंडर्ड तो वैल्यू आएगी वन बाई थ्री, नीचे आएगी वन बाई टू, एन पावर बचती बस, यानी कुल मिला के हो गया टू बाई थ्री। अब सबको इक्वल डाल दो तो e पावर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू होना चाहिए 2 बाई 3 और c का वैल्यू होना चाहिए 1। अब हमारी आंसर देने की तो यहाँ आ जाइए, देखिए 2 टाइम e पावर a बोले तो 2 बाई 3 प्लस b बोले तो फिर से 2 बाई 3 c तो प्लस 2 c 2 yes. c का वैल्यू 1 है ना, तो कितना हो गया देखिए 4 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 6 बाई 3 बोले तो 2, तो 2 प्लस 2 मिला के 4 आंसर yes. तो जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा 4। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, fx फंक्शन गिवन है आपको और अगेन बोला गया कि 0 से 2 में फंक्शन ऑल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो देन आपको दिस पार्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसमें देखो ढंग से, ये स्टेप x स्क्वायर है तो दिस इज ऑलवेज इंटीजर, तो इंटीजर को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब ये पार्ट तो चला गया 0 में, तो इसको तो रिमूव कर दो डायरेक्ट। तो देखो कितना सिंपल फंक्शन हो गया, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स 0 to 1 है क्लोज ब्रैकेट, और सेकेंड क्वेरी थी 2 कॉस पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स और ये लेना 1 से 2 के बीच, ठीक है। अभी फंक्शन 0 से 2 में ऑल पॉइंट्स पे बोला है डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब देखो जनरली बात करोगे तो आप ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है तो ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, और डोमेन के अंदर कॉस और टेन इनवर्स ये भी दोनों कैसे कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो ये दोनों सेपरेट कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशियल भी है। वन पे इन दोनों की डेफिनेशन क्या हो रही है बेटा, चेंज। तो ये वन पे देखना पड़ेगा कि वन पे कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल होगा या नहीं। क्वेश्चन ने बोला गया कि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो 100% वन पे कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियबल भी होना। तो अगर ये कंटीन्यूअस है तो एफ ऑफ वन माइनस और एफ ऑफ वन प्लस इन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, तो सिंपल कर सकते हैं कि एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस, क्योंकि वन माइनस पे तो वैल्यू सेम ही आने वाली है, तो मतलब वन दोनों में पुट करना फटाफट। तो वन पुट करने पर आ गया ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू और दिस इज पाई बाई फोर, ठीक है। ए प्लस बी एक रिलेशन तो आ गया ये रूम में, सेकंड रिलेशन वही क्या कर रहा हूँ कि जब फंक्शन 0 से 2 में डिफरेंशियबल है तो इसका अपन इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा एवरेज एक्स होगा इससे 3 ए एक्स स्क्वायर बी का 0 कॉस का किया तो माइनस 2 साइन पाई एक्स और पाई एक्स का करोगे तो माइनस पाई आ जाएगा वहां, तो ये आ गया माइनस की 2 पाई साइन पाई एक्स और टेन इनवर्स का लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगेन 1 पे एलएचडी आरएचडी क्या करोगे इक्वल, मतलब एफ डैश 1 माइनस इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, तो एफ डैश 1 माइनस तो क्या आ गया 3 और एक बार 1 इसमें पुट करोगे तो साइन पाई तो 0 हो गया, हटाओ उसको तो 1 बाई 2, तो ए की वैल्यू तो मिली आपको 1 बाई 3 को पुट करोगे दिस पार्ट में तो आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखो ऑप्शन में क्या चाहिए अपन को, 12 ऑफ
a माइनस बी, तो देखो a की वैल्यू तो लिख देते 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 4 एज इट इज है, माइनस b की वैल्यू भी इससे पुट करोगे तो क्या होगी, माइनस 2 प्लस 5 बाई 4 माइनस माइनस a एज 1 बाय 6, तो देखो 5 बाई 4 से 5 बाई 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो 1 बाई 2 1 बाई 6 एंड 1 बाई 6 तो क्या आएगा 1 बाई 3 और प्लस का होगा 2, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 28 वैल्यू होगी, ठीक, सो 28 विल बी द राइट आंसर। हां तो ये था डिस्कशन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, नेक्स्ट डिस्कशन में फिर से मिलेंगे, गुड बाय।